is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. चलो चरी के लिए हैं, देखिए यहाँ पर घास बहुत है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो यादव भाई होते हैं यहाँ के आसपास के मांझा के, तो आते हैं यहाँ पर चराने के लिए। तो लास्ट तक अंत तक देखिएगा, हम आपको दिखाते हैं वीडियो में। अभी हम पूछेंगे कुछ भाइयों से कितने जानवर हैं, मतलब पूरे एरिया में करीब करीब यहाँ पूरे इतने बड़े मैदान में बहुत से जानवर हजारों की तादाद में होते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं संख्या जानवरों की, यहाँ पर कुछ हैं, उसके बाद यहाँ पर कुछ हैं, तीन इधर हैं, उसके बाद उधर बहुत से हैं, इधर बहुत से हैं, और उधर मैंने ब्रिज के नीचे दिखाया है, तो पहले वीडियो में देखे होंगे आप। शुरुआत में यहाँ पर बहुत से जानवर हैं, तो मैंने सोचा किसान भाइयों के लिए कुछ दिखाता हूँ। अगर कोई ख़रीदना उन्हें चाहेगा भी, अगर पूछेंगे बेचते हैं लोग भी अपने मवेशी, तो यहाँ से भी खरीद बिक्री कर सकते हो आप लोग। अगर पूछेंगे दूध का व्यवसाय भी करते हैं ये लोग, यही लोग दोस्तों। मैंने सोचा कुछ नए तरीके से कुछ नया कंटेंट लाया जाए। बहुत से जानवर हैं यहाँ पर, करीब करीब हजारों की तादाद में। अभी हम पूछते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोटो खींचते हैं, यहाँ पर कुछ। नमस्कार चाचा, और कैसा है? अच्छा, तो हमारा चैनल है यूट्यूब पर, हम वीडियो शूट कर रहे हैं जैसे किसान भाइयों के लिए, दिखा रहे हैं कि कितनी कितनी भैंस हैं आपकी यहाँ पर। अरे हमारे पल्ले से 10 भैंस आप लेके आए हैं चराने के लिए हैं, तो देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी तादाद में हैं। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? हाँ, यहीं पर घर है कि दत्तनगर में? कहाँ है?
सखीपुर में दोस्तों घर है इनका। तो दूध का व्यवसाय करते हैं आप? अरे दूध है, खोआ सोआ चला था। अच्छा 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 हम जुबैरगंज पशु मंडी से वीडियो बनाते हैं ना, जुबैरगंज पशु मंडी की। अच्छा हाँ, हमारी वीडियो आती रहती है उस पर यूट्यूब पे। तो आप ले जाते हैं अपनी भैंस का भी अगर बेचना उचना रहता है कि नहीं जाते हैं? नहीं, जाते क्यों ना है, जुबैरगंज बाजार जाते हैं। जाते हैं ना। हाँ। अच्छा, तो हमने सोचा आज नए हम इधर ही आ जाते हैं बनाने के लिए, देखते हैं क्या कितने लोग यहाँ पर, काफ़ी लोग चराते हैं हम, करों की तादाद में होते हैं यहाँ पर जानवर, ऊपर होते हैं दोस्तों। देख सकते हैं नज़ारा बहुत ही शानदार यहाँ पर। ये बच्चे भी हैं तो यहीं के रहने वाले हो भैया? और क्या, क्या नाम है आपका? राहुल नाम है। आप भी भैंस चरा रहे हो? कहाँ है आपकी भैंस? उधर वो वहाँ पे। कितनी भैंस लाए हो? सात। सात भैंस है, चलो ठीक है। दूध दूध निकालते हो ना? ठीक है, तुम्हारी वीडियो डाल दे रहे हैं यूट्यूब पे। हाँ, फेमस हो जाओगे। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये वीडियो जो है किसान भाइयों के लिए जाती है, देखते हैं ना यूट्यूब पर। हमारा घर यहीं पे है, बगल में रौनाही में। हाँ हाँ, रौनाही में। अच्छा, इसमें लगभग जो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस है कौन सी हैं? कितना करती हैं दोनों टाइम का? मिला के दस लीटर देती है। अच्छा, एक टाइम में पाँच, एक टाइम में पाँच। अच्छा, ये भैंस है जो सबसे ज़्यादा दूध देती है। इसी से किसान भाई हमारे चाचा जो है, इसी से इनका व्यवसाय चलता है, दूध का, खोए का, देसी घी का। इसी से इनका ऐसा है, इनका इसी से खर्चा चलता है दोस्तों। देख सकते हैं बहुत से लोग यहाँ पर, सारे के सारे यहीं गांव से पास में, सब यादव जी हैं ना सब? कितने हैं सब? सारे के सारे यादव हैं जितने हैं सब। हम बहुत दिन से सोच रहे थे कि किसी दिन बनाएंगे, टाइम नहीं मिल रहा था, तो हमने सोचा आते हैं। उधर चैनल का नाम है हिंदुस्तानी किसान। आप देखोगे जुबैरगंज पशु मंडी की जो वीडियो रहेगी, हिंदुस्तानी किसान के नाम से मेरे चैनल पर है। दोस्तों यहाँ पर अगर पूरे मैदान में देखा जाए, ब्रिज के नीचे वाला सब सारा जोड़ कर, हजार से ऊपर यहाँ पर पशु रहते हैं। अगर कोई अच्छा यहाँ से आप अच्छा यहाँ से खरीद बेच भी सकते हैं ना? कोई जैसे कोई किसान भाई या कोई खरीदना चाहे तो यहाँ से खरीद सकता है ना? खरीद बेच सकता है, बिका दे वहाँ बाजार में, बेच सकते हैं घर पे, बिका दे। हाँ मतलब तो बाजार से ले आ। जैसे अगर खरीदना हो, अच्छा यहाँ कोई आना चाहे, आपके आपकी भैंस अगर मान लीजिए आप बेचना चाह रहे हैं, तो कोई आना चाहे तो यहाँ आ सकता है ना? बिल्कुल, बड़े आराम से। अच्छा, तो दोस्तों देख सकते हैं अगर कोई खरीदना चाहे तो यहाँ पे भी आ सकते हैं आप लोग। यहाँ पर एनी टाइम अगर आप आते हैं शाम को चार तीन कै बजे आते हैं आप लोग चराने के लिए? ढाई बजे से शुरू हो जाती है आना, स्टार्ट हो जाती है ढाई बजे से, लेकर शाम छः बजे तक निकल लेते हैं आप लोग। तो इस बीच अगर कोई आता है तो खरीद बिक्री आप लोग कर सकते हैं। इस बीच अगर आपको खरीद बिक्री करना है, पता डेमा ब्रिज के बगल में दत्तनगर है, दत्तनगर के पास यहाँ पर रास्ता कुछ ऊंचा नीचा है, उबड़ खाबड़ है। मैं बहुत से हाँ सबको बहुत से यहाँ पर बुजुर्ग लोग भी हैं। हाँ हाँ
क्यों नहीं, बहुत से लोग हैं, बहुत से नमस्कार। और क्या हाल है? अरे ये यूट्यूब के लिए जाता है, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। दिखाते हैं किसान भाइयों को, दिखाते हैं कि यहाँ पर देखिए गाय भैंस चराई जाती हैं काफ़ी तादाद में। क्या नाम है चाचा आपका? हाँ आप दोनों का क्या नाम, आपका क्या नाम है? अच्छा कितनी उम्र होगी? 60 के करीब है आपका। दोस्तों इतनी उम्र में दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इनकी करीब करीब 65 के करीब है। तो इतनी उम्र में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भाई चराई जा रही है दादा के द्वारा, दाद देनी पड़ेगी इस उम्र में भी। हाँ हाँ मतलब दिखा रहा जा रहा है, आप लोग इसी से व्यवसाय करते हैं ना, आपका जीवन खर्च इसी से चलता है ना। तो दोस्तों देख सकते हैं कि उन्होंने बताया 60 लेकिन और ज़्यादा होगी उनकी उम्र, आदमी हमेशा कम ही बताता है, 75 के करीब होगी मेरे देखने से, मेरे नज़रिए से 75 के करीब तो होगी ही। देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी संख्या में, ओ भाई साहब देख सकते हैं तो हमने सोचा कुछ नए तरीके से वीडियो शूट करें। हमने अभी तो ये तो छोटा सा भाग है, इतनी भैंस दिखाई है हमने, ये एक हिस्से का भाग है, ब्रिज के नीचे अभी रास्ता नहीं है जाने का। अभी हम आगे चलकर देखते हैं रास्ता है या नहीं है, वहाँ से फिर वीडियो शूट करेंगे और आगे चलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगर रास्ता होगा तो आगे जाएंगे वरना नहीं जाएंगे। किसान भाइयों दोस्तों वहाँ पर आप देख सकते हैं कितने मवेशी हैं, हजारों की तादाद में होंगे। अगर 500 उस वीडियो में रहे होंगे जो पहले मैंने दिखाया, पूरे और ऊपर होंगे, हजारों से ऊपर होंगे। ये तो आपको कुछ कमी दिख रहे हैं, जूम आउट करके मैं दिखा रहा हूँ, पूरे मैदान में होंगे हजारों से ज़्यादा। आपको दिख रहे हैं ना मवेशी, ये सब भैंसें हैं यहाँ पर चल रही हैं, ये यादों के द्वारा चराई जा रही हैं, आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको ख़रीद बिक्री करना है यहाँ पर आप बेझिझक आ सकते हैं, डेमो ब्रिज है उसके नीचे साइड में, 2:30 दोपहर से लेकर 4:00 तक ये लोग, 6:00 तक करीब करीब रहते हैं। आप यहाँ पर आएंगे सौदा तय हो जाएगा, आप लोग खरीद बिक्री करके लेके जाएंगे। दुधारू गाय भैंस रहती है यहाँ पर, कटरा कटरी सब रहती है यहाँ पर। काफ़ी लंबा पड़ जाएगा, नहीं तो मैं अभी पास में जाता और शाम हो रही है आपको दिखाता हूँ। ये तो आप लोगों ने देख लिया, ओ उधर देखिए आप लोग, वहाँ पर भी दूर आपको जूम आउट करके दिखा रहा हूँ, वहाँ पे भी देखिए, ये देखिए थोड़ा ब्लर हो जा रहा है, नहीं तो अभी मैं दिखाता, ये देखिए ये इधर है थोड़ा, यहाँ इधर अंधेरा हो जा रहा है, वो दिख रहे हैं आप, वो ये देखिए ये रेत है, रेत के ऊपर काले काले आपको दिख रहे हैं, ये मवेशी है, ये देखिए जूम आउट करके मैं दिखा रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ पर खरीद बिक्री कर सकते हैं। आपको मैं मैदान दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर भी कुछ मवेशी हैं, लगभग 40-50 की तादाद में यहाँ पर भी होंगे, ये इधर भी हैं, चारों तरफ मवेशी हैं।
और यहाँ सुंदर सी नदी घाघरा सरयू नदी आप लोग देख सकते हैं नज़ारा। तो वीडियो कैसी लगी एक बार लाइक शेयर और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें ज़रूर। फ्यूचर में फिर कभी आएंगे मौका मिलेगा तो इस जगह की फिर से वीडियो बनाएंगे। कैमरा बढ़िया कैमरा मेरा रहेगा, अभी तो मोबाइल से वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं, बता देता हूँ आपको। आपका पेरेंट सपोर्ट रहा तो कैमरा ज़रूर लूँगा और इस जगह की बढ़िया से कैमरे से वीडियो शूट करूँगा। एक एक यादव से बातचीत करूँगा, यहाँ पर जितने भी यादव आते हैं एक एक लोग से बात करूँगा, सभी से नाम पूछे हर चीज़ पूछूँगा। देख सकते हैं आप लोग बहुत सी तादाद में यहाँ पर भैंसें हैं, ज़्यादा हैं, यादव लोग ज़्यादातर भैंस ही रखते हैं। दूध घी और खोए से इनका व्यवसाय चलता है, मतलब व्यापार चलता है, इससे अपना जीवन खर्च चलाते हैं ये लोग। और खेती वगैरह थोड़ा मोड़ा होती है इनके पास, तो इसी से अपनी जीवन खर्च चलाते हैं। आप लोग वीडियो देखकर सहयोग करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर कोई भी देख रहा है, कोई भी यूट्यूबर देख रहा है तो भी ऐसी जगह की वीडियो बनाएं। विपिन सिंह देख रहा हूँ तो विपिन सिंह से मेरा अनुरोध है कि ऐसी जगह आकर वीडियो ज़रूर शूट करें। दोस्तों पानी में मुझे कुछ दिखा है, बहुत काफ़ी बड़ी मछली थी, अभी काफ़ी बड़ी मछली थी यहाँ पर दोस्तों, करीब 1 केजी की रही होगी। अब वो यहाँ से गायब हो चुकी है। कौन सी मछली थी पता नहीं, काफी बड़ी मछली थी। और दोस्तों यहाँ पर सीप दिखी है मुझे, सुना है कि सीप के अंदर मोती होते हैं। सभी सीप खुल चुके हैं, ये भी खुल चुकी है, यानी कि इसमें मोती रहा होगा 110% रहा होगा, क्योंकि सीप में मोती होता है तो मैंने सुना है। सभी सीप यहाँ पर खुल चुके हैं, बड़े बड़े सीप हैं। अभी तो किस्मत पलट जाती मेरी, सीप में मोती हेर रहा था मैं, किसान भाइयों। चलिए इस वीडियो के साथ आखिरी मैं एक बार नज़ारा दिखा देता हूँ, जाते जाते एक बार फिर से फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चलिए अगली बार हो सकता है जुबैरगंज पशु मंडी में मुलाकात हो। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, टाटा।